नमस्कार, रूपांशुस किचन में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्पी मूंग दाल मेथी पकोड़ा बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसके लिए क्या सामग्री की ज़रूरत है। पकोड़ा बनाने के लिए हमने आधा प्याला मूंग दाल ली है। धुली हुई मूंग की दाल है ये 1 टेबल स्पून क्रश की हुई सौंफ है, ये 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ धनिया है, ये 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर है, ये 1 टुकड़ा अदरक का कसा हुआ है, ये धनिया पत्ती है और ये मेथी की भाजी है। इसको हमने धोकर साफ कर लिया है और बारीक टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून जीरा लेंगे हम, 1/2 टीस्पून हल्दी लेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा लेंगे, नमक स्वाद के हिसाब से, ये चाट मसाला हम पकोड़े के ऊपर डालेंगे ये 1 टीस्पून, और ये लाल मिर्च 1 टीस्पून लेंगे हम। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम ये मूंग दाल लेंगे, इसको साफ करके इसको पानी से 3-4 पानी डालकर धोएंगे, फिर 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये हमारी दाल को 2-3 घंटे हो गए हैं भीगते हुए, तो ये देखिए ये आधा प्याला हमने दाल ली थी और ये फूल कर 1 प्याला हो गई है। हमारे पास ग्राइंडर है, ग्राइंडर में भी हम कभी पीस लेते हैं और कभी मिक्सर में पीस लेते हैं। ये दाल हमारी पीस के तैयार हो गई है। अब हम इसमें मसाले मिला लेंगे। पकोड़े में सबसे पहले 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे हम, 1 टीस्पून लाल मिर्च, नमक अंदाज से, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, कसा हुआ अदरक, धनिया पत्ती और मेथी की पत्ती, ये डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। हरी मिर्च और हींग, अब इनको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बारिश के मौसम में तो सब लोग बहुत पसंद करते हैं इनको। जब हमारी दाल फूल गई थी तो इसको हमने 10-15 मिनट के लिए छन्नी पर रख दिया था ताकि हमारा सारा पानी निकल जाए, क्योंकि इसमें हमको पानी की ज़रूरत नहीं है, बगैर पानी के ही हमको पीसना है धीरे धीरे। अगर बाई दबे कभी आपसे घोल गीला हो जाए तो इसमें 2 टीस्पून बेसन आप मिला सकते हैं, मैं नहीं मिला रही हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं लग रही। ये पकोड़े के लिए मैंने तेल गर्म करने रख दिया था, ये तेल गर्म हो गया है। अब इसमें से 1 टेबल स्पून तेल हम पकोड़े के घोल में डाल रहे हैं मोयन के लिए। मोयन देने से थोड़े पकोड़े ज़्यादा खस्ता बनेंगे। उसको अच्छे से हिला देंगे। अब हम पकोड़े बनाएंगे। कई लोग चम्मच से पकोड़े बनाते हैं लेकिन मैं हाथ से ही पकोड़े बनाती हूँ। काई से भी बनाए बस अच्छे बनना चाहिए। तेल हमको मीडियम गरम चाहिए, एकदम हाई फ्लेम पे आप अगर तेल रखेंगे तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इनको अब थोड़ा सा हिला देंगे। देखिए बढ़िया हरे भरे पकोड़े दिख रहे हैं। ये पकोड़े थोड़े सिक गए हैं, अभी हमने इनको पूरा नहीं तला है, रीफ्राई इनको हम करेंगे ताकि और ज़्यादा क्रिस्प हो जाएंगे। और दूसरा कारण इसका ये भी रहता है कि आपको जब चाहिए तब आप रीफ्राई करके इसको खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी मेथी की खुशबू आ रही है। ये हमारे सारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं।
मैंने इनको ठंडा कर लिया है, अब हम इसको रीफ्राई करेंगे। ये हमारे पकोड़े रीफ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे पेपर नेपकिन पर और फिर उसके ऊपर सर्व करने के बाद मसाला भुलक देंगे। ये पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं, अब इस पर हम चाट मसाला छिड़केंगे। सॉस के साथ गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। हेलो फ्रेंड्स, पकोड़े खा लो। आप पकोड़े की रेसिपी बनाइए और अगर आपको पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए।